आज हम एक ऐसी बुलंद शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका नाम है कौशल शर्मा, जो कि गौ रक्षा ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने लॉकडाउन में भी अपने जो ड्यूटी थी उसको बखूबी निभाया। तो आज हम जानना चाहेंगे उनके विचार कि वो कैसे इतने मुश्किल टाइम में भी उन्होंने अपना कीमती टाइम जो है वो निकाला। तो हाँ कौशल शर्मा जी, मैं पहले आपका स्वागत करता हूँ कि आप आए और हम अपना कीमती टाइम अपने दो मिनट में दिए। एक्चुअली ये है कि जो मैं बेसिक जो मैं पीछे बिलोंग करता हूँ पुणे से करता हूँ, एक्चुअली मैं जम्मू हूँ लास्ट 30 ईयर्स। तो हमारा जो खानदानी काम है वो हम बेसिक ट्रांसपोर्टर हैं। तो कुछ साल मैं स्टेट लेवल पे एडवाइजर रहा एक यूनियन में। तो उसके बाद जब वो इलेक्शन हम लूज गए उसके बाद मैंने सोचा क्या करें, तो मेरे को ना गाय माता के प्रति कोई एक जागरूकता पैदा हुई। तो एक मैंने ऑब्जेक्शन आई गौ माता की कि गौ माता को हमने बचाना है चाहे किसी भी हद पर पार करके, लेकिन कानून के दायरे में रह के। फिर हमें ऑब्जेक्शन मारने के बाद चलते रहे, कहीं एक्सीडेंट जाए गौ माता लगे या तस्करी करे या कोई, हम पुलिस को साथ रखे वो बेखुबीन माते रहे। उसके दौरान आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में जब लगा कि लोगों को लोग बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के फंड पे आके लोगों को राशन पहुंचाया, खाना खिलाया, हमें लगा कि गौ माता कहीं ना कहीं भूखी है। तो हमने एक मुहिम चलाई, हमारे कुछ साथी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थे सब मिलजुल के हमने एक मुहिम चलाई कि जो भी रोड पे गौ माता होगी इसे हम चारा प्रोवाइड करेंगे। हरा चारा के साथ साथ हमने क्या किया, लोगों को राशन बांटना शुरू कर दिया, खाना बांटना शुरू कर दिया, जो सब्जी होती है वो 5-7 क्विंटल बांटना शुरू कर दी। और उसमें जो पुलिस का जो रोल था वो काबिले तारीफ है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छे अफसर हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डीएसपी मोहन शर्मा साहब रहे नेशनल हाईवे रोटा, डीएसपी रोटा, उन्होंने बेहतरीन काम किया। अभी जो कृपाल सिंह जी हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारे जो एसएसपी लेवल के जो आईपीएस अफसर हैं उनकी तो सराहना कितनी कम है। जैसे हमारे कठुआ एसएसपी लगे हैं, इन्होंने एक पुलिस ने पार्टी मिलकर उन्होंने गौशाला खोली, अपनी पुलिस ने डिजरी खोली है, उसमें 203 गाय उन्होंने वहां रखी है जिनको चारा प्रोवाइड करते हैं। कठुआ के आम लोग भी जुड़े हैं, लेकिन मैं उन एसएसपी साहब को सल्यूट करता हूं कि गो तस्करी मामले में हमेशा फ्रंट। उनका कहना है कि कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अफसर तक कोई भी गो तस्करी में शामिल नहीं हो सकता, इसकी मैं छोटी डे एंड नाइट दे सकता हूं। और दो इंसिडेंट वहां अभी हुए, अभी दो दिन पहले वो अमरोली गांव में किसी ने रात को गाय चुरा के उसको काट दिया। उन्होंने बेहतरीन काम किया, उन्होंने उन शख्सों को पकड़ लिया। उनका टारगेट जो होता है 24-25 घंटे में उनको पकड़ लेते हैं और कानून के अंडर जो लॉ होगा जो उसको सजा होगी वो 100% दिलवाएंगे। तो हम ऐसे अफसर को सल्यूट करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे अफसर हमारे गिनते में रहते रहें। और जो गो तस्करी गो माता जिसे हम गो माता मानते हैं 33 कोटी देवी देवता गाय माता के अंदर विराजमान होते हैं, गो सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। तो तमाम जम्मू वासियों से मैं ये अपील करता हूं कि गो जो माता है इसे मां समझें, कहीं आपको जश्न गाय कुछ खा रहे मिले तो थोड़ा पीछे कर लें, और जो यहां तक आपका नहीं चल पाए वो हमें समर्थ करें। मैंने फेस मीडिया में अपना नंबर फ्लैश किए हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, 24 आवर्स हम रेडी हैं। तो ये हमारी अभी एक छोटी सी मुलाकात थी कौशल शर्मा जी से और हमने अभी उनके जो विचार है वो जाने। और चैनल के माध्यम से हम सबसे अपील करेंगे कि उनकी इस नई कोशिश में उनका साथ दें और देते भी हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनकी बहुत मदद होती है और हर जब भी टाइम टाइम पे उनको कोई जरूरत पड़ती है तो हर कोई उनका साथ देता है। तो मैं विशाल सिंह अपने कैमरामैन के साथ, आरपी ग्लोबल मीडिया।